आज आपने इतनी तानाशाही कहीं देखी है? इतनी तानाशाही कहीं देखी है? इतनी खिलाफी कहीं देखी है? अरे महिलाओं के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, खटिक समाज के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, अरे बूढ़ों के खिलाफ, अरे पिछड़ों के खिलाफ, अरे दलित के खिलाफ, अरे आदिवासी के खिलाफ, अरे पूरे देश के खिलाफ, अरे खिलाफ होते हैं तो डरते हो क्या? अरे खिलाफ होते हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये तो सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और लास्ट में सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये एक छोटी सी चौपाल थी, लेकिन आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के उत्साह ने, आप लोगों की संख्या ने ये दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन भारी मतों से मिर्जापुर की धरती से जीतने जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि कामयाबी बड़ी नहीं होती है, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती है, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। और इतिहास के पन्ने उठा करके जीत देख लेना आप लोग, जीतने वाले नहीं बड़े होते, आप जैसे जिताने वाले बड़े होते हैं, आप जैसे जिताने वाले बड़े होते हैं। मैं खटिक समाज की बेटी और बहन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने समाज का पगड़ी लेकर के अपने समाज की लड़ाई को लड़ रही हूँ, अपने लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ रही हूँ, बेरोजगारों की लड़ाई को लड़ रही हूँ, युवाओं की लड़ाई को लड़ रही हूँ, महिलाओं की लड़ाई को लड़ रही हूँ, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही हूँ, दलित की लड़ाई लड़ रही हूँ, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने देश की लड़ाई को लड़ रही हूँ कि आप सब हमारे साथ हैं, आप सब तैयार हैं। आपकी बहन और बेटी आपसे एक ही वादा लेने आई है कि आप 1 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाए, कि आप सब साइकिल का बटन दबाने जा रहे हैं, क्या आप इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं, क्या इस जुल्मी तानाशाही सरकार को अपने वोट की ताकत से और संविधान की ताकत से जवाब देने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, समाज के लिए कहना चाहूंगी जो ये सोचते हैं कि दारू की बोतल, साड़ी और पेटीकोट और ब्लाउज पे मेरा समाज बिकता है, ना मेरा समाज कभी बिकाऊ था, ना है, ना कभी होगा। और हम भारत के लिए जीते, हम भारत के वासी हैं, और भारत को आजादी दिलाने में अपने खून का एक एक कतरा हमने दिया है, और आज संविधान बचाने की लड़ाई है, और यहाँ भी जब जरूरत होगी हम भारत माता के लिए अपने गले कटवाने के लिए तैयार हो जाए। अपनी भारत माँ को बचाने की लड़ाई है। तो मुझे बताइए, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है?